हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कैथोड सीरीज लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सिन एलिमिनेशन, और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट क्या होती है, कौन से वाले केसेस में हम यूज़ करते हैं उसको, कैसे उसको टर्न करना होता है, कैसे रोटेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सब हम पहले देख चुके हैं। तो अब ना, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैथोड सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया अभी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ना, एक चीज़ देखो, ये अपने पास क्या है, अमीन ऑक्साइड है, और हमने लास्ट क्लास में देखा है कि अमीन ऑक्साइड वाले केस में सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, सिन एलिमिनेशन का मीनिंग है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो भी, और सन जो अपना एच है, वो दोनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, दोनों सेम साइड होने चाहिए। तो देखो, ये अप साइड पर है, ये भी अप साइड पे है एच, और ये भी अप साइड पे है। दैट मीन्स जब आप इसको निकालोगे तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। दोनों में से निकलेगा कौन सा? निकलेंगे तो दोनों ही आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैं इसको निकाल दूं, इसको बाहर यहाँ से, इसको ऐसे ले आओ, तो ये बन गया, यहाँ पर आपके लगा हुआ है, आपके पास लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर है अपना मिथाइल, यहाँ से ये बना। और अगर हम इस वाले एच को बाहर निकाल देंगे, तो इस बार इसको रहने दो यहाँ से, और इसको बाहर निकाल देंगे ऐसे करके, तो क्या होगा इस वाले केस में? हमारा डबल बॉन्ड इस बार इस पोजीशन पर आएगा, और बाकी वैसे का वैसे, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल था, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, इतना सही है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे है डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन लीव करके मिथाइल ऊपर की साइड है, यानी कि वेज पे मिथाइल ग्रुप। एक तो ये बन गया, और इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे है, इस तरह से, एक यहाँ पर नीचे की साइड यानी कि डैश पे आइसोप्रोपाइल, और ये ऊपर की साइड यानी कि वेज पे मिथाइल। तो ऐसे करके आपको ये दो प्रोडक्ट मिल गए हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है इनमें से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, वो कैसे बताएंगे, क्योंकि आए तो ये दोनों ही सिन एलिमिनेशन से हैं, मेजर माइनस माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर ये कैसा डबल बॉन्ड है, कैसा प्रोडक्ट है ये ओवरऑल? ये हमारे पास है सेरसिफ प्रोडक्ट, और ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंपैरेटिवली मोर सब्सटीट्यूटेड। तो ये सेरसिफ है और ये हॉफमैन है, ये क्या होगा? मेजर होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, सही है। इसी चीज़ को जब हमारे पास ये वाला लिविंग ग्रुप हो, अमीन ऑक्साइड एच निकल रहा हो, इसको कोप एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसी रिएक्शन का नाम कोप एलिमिनेशन भी है। तो कभी अगर नाम से पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसी को कोप एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इस बार अपना जो लिविंग ग्रुप है वो नीचे की साइड है, देखो, और नेक्स्ट वाली कार्बन पे एच ऊपर की साइड है, मतलब इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें ये वाला एच है नीचे की साइड, तो मतलब यही निकलेगा, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बनती है, सिन एलिमिनेशन चाहिए था। इधर आया डबल बॉन्ड, डैश पे आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे ऊपर की साइड मिथाइल है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ऐसे डाउन साइड है मतलब डैश पे दिखाएंगे, डैश पे आइसोप्रोपाइल, अप साइड है मतलब वेज पे दिखाएंगे, ये हो गया आपका मिथाइल। तो यहाँ पे सिर्फ आपका यही एक प्रोडक्ट आने वाला है, इसलिए मैं लिख रही हूँ ओनली प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यही बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क। अब आज ये क्लास में सेम किया, एलिमिनेशन नहीं करवाना है, लेकिन आज अच्छे एग्जांपल्स हैं थोड़े से, यहाँ पर आते हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चंस जो आज क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स में भी आते हैं। स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो, देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, पहले एक बार अपने सबस्ट्रेट को देखो अच्छे से, ठीक है। हमने सबस्ट्रेट देख लिया, एक कार्बोनिल है, कीटोन है, एक अपना एस्टर ग्रुप है, ठीक है, और इन दोनों में से हमें ये पता है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आते हैं अपने रिएजेंट्स के ऊपर। सबसे पहले ये है एसिड है, ये है 1,2-diol है, सही है इतना। तो पहले इसी को देखो, आपने ये सुना होगा कि हमारे पास जब ये ऐसे लिखाओ, एसीटोन CH3COCH3, और ये जब हम करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं,
ये यूज होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1,2-diols. ठीक है, अब इसी चीज को उल्टा दिया है. इस बार आपके पास कीटोन यहाँ पर है, एसिड ये है, क्या करवाना है, 1,2-diol को प्रोटेक्ट करवाना है. मैकेनिज्म देखते हैं. एसिड है सबसे पहले, इसको प्रोटोनेट कर देगा. ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया. इसके बाद ऐसे यहाँ पर है लोन पेयर, ये दोनों ही ऑक्सीजन के हैं, इक्विवेलेंट हैं, दोनों में से किसी का भी अटैक करवाओ एक ही बात है. मैंने ऐसा करवा दिया यहाँ पे ऐसे, सही है. ओके, तो अभी के लिए इस पूरे ग्रुप को हम मान लेंगे आर, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है. मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म दिखा रही हूँ एक बार, तो इसको हम आर कंसीडर करेंगे. इसको मैंने लिखा आर. ठीक है, ये हो गया है ऊपर OH, ये हो गया है OH, और यहाँ पर आके लगा है O, इसके ऊपर था H, देन CH2 CH2 OH, यही है ना. इसके ऊपर प्लस हो गया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए हैं. इतना क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकाल देंगे. H प्लस निकालेंगे, H प्लस को कौन ले लेगा, ये वाले ऑक्सीजन अटैक कर देंगे इसके ऊपर. तो ऐसे करने से क्या होगा, पहली बात H प्लस यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकलने के बाद इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव. अब ये हो गया है वाटर, निकलेगा आराम से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, इसका चार्ज बैठा देंगे. ये जैसे ही वाटर बाहर गया, ऑक्सीजन के पास क्या है, अभी लोन पेयर है, सही इतना. तो यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन पे प्लस CH2 CH2 OH, सही है. इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, इसको ओपन करवाया, इसने अटैक कर दिया यहाँ पे. तो ऐसा करने से ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना, H है, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या था, R था. देखो इजी है ना. नेक्स्ट स्टेप में H प्लस को निकाल देंगे यहाँ से बाहर, बस हो गई प्रोटेक्शन, बस ख़त्म. तो जो फर्स्ट स्टेप था अपना, वो सिर्फ 1,2-diols को प्रोटेक्ट करवाना था यूजिंग दिस कार्बोनिल ग्रुप. इतना सही है ना. तो अभी मैं ये सब हटाऊंगी और यहीं पे क्या करूँगी, इसको प्रोटेक्ट करके दिखा दूंगी आपको, सही है. इसको हम हटा देंगे बाकी सब, ये हमने यहाँ से हटाया, इसको हटा देते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिला है, ये, और यहाँ पे CH2 CH2, इतना क्लियर है ना. अब देखो, अब आता है यहाँ पर सेकेंड रिएजेंट, ये है Li+NR2-. देखो अगर मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करवाती और अगर हमारे पास ये वाला रिएजेंट नहीं होता, उस वाले केस में हम क्या करते, जैसे ही आप बेस ऐड करवाओगे, कहाँ से निकलेगा प्रोटोन, या तो यहाँ से निकलता या फिर यहाँ से निकलता, है ना. क्योंकि ये वाला एच, ये दोनों एच जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होते, क्योंकि प्रॉपर डीलोकलाइजेशन हो पाता. यहाँ पे ऑक्सीजन है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता जितना यहाँ पे. अब क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट करवा दिया है, तो इसके पास इस वाले प्रोटोन के अलावा कोई एसिडिक प्रोटोन अवेलेबल नहीं है, क्लियर है ना. क्योंकि अब अगर यहाँ से निकालोगे तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप ऑलरेडी जा चुका है ना. तो बस यही काम करना था, फर्स्ट स्टेप इसलिए ही करवाया गया है क्योंकि हमें रिएक्शन इस पॉइंट पे करवानी थी, क्लियर है. निकाल दिया हमने, अब क्या होगा, क्या है MeS SME. देखो ये रिएक्शन क्यों हुई है, देखना है ध्यान से. सल्फर है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल. जब भी हमारे पास एक बॉन्ड बना होता है दो हेटेरो एटम के बीच में, वो स्टेबल नहीं होता. रीज़न क्या है उसका, देखो लोन पेयर्स हैं, आपस में रिपल्शन होगी लोन पेयर्स के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड होता है वीक, ये ब्रेक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ से, सही है. तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा SME, इतना ठीक है. चलो ये वाला स्टेप भी ख़त्म हुआ. उसके बाद आता है H3O+, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में बेसिकली यहाँ पर ये वाला ग्रुप वापस से रिमूव हो जाएगा. इसको हम यूज़ कर रहे हैं जब भी आपके पास ईथर है, ईथर लिंकेज है ना ये,
तो जब भी ईथर होता है, ईथर की डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डी प्रोटेक्ट कर देंगे एसिडिक मीडियम में, और ये यहाँ से हटके वापस से हमें कार्बोनिल मिल जाएगा। तो ये है आपके पास ए, जो ए बना हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये आपका ये बन गया, इतना सही है। इसके बाद NaIO4 इसमें ऐड करवाना है, क्या करेगा ये, Na प्लस IO4 माइनस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा किसका। तो देखो यहाँ पर फिर से एक सीखने वाली बात है, ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि अगर यहाँ पे ये वाला ग्रुप नहीं होता, फिर तो चांसेस थे कि यहाँ पे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, यानी कि एस्टर बन जाएगा इस साइड पे भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिस्टम में अभी एक हिट्रो एटम अवेलेबल है, तो जब भी हिट्रो एटम होगा पहले उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहले यहाँ पे ये सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में PHM यानी कि टोलबीन, इसको हीट किया गया है 110 डिग्री सेल्सियस पे, क्या है एलिमिनेशन है सिंपल, ये यहाँ से बाहर ऐसे, क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इधर आया डबल बॉन्ड, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट बी, ऐसे करना था, ठीक है। देखने में रिएजेंट्स काफ़ी सारे लग रहे हैं, लग रहा है कि होगा नहीं क्वेश्चन हमसे सॉल्व, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे केमिस्ट्री के, जनरल केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए करोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एकदम सही से हो जाएगा, क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं, तो ये आपको आनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ये सेम रिएक्शन हमने पढ़ी है, स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा ये, क्या है मेरे पास, ये है गिलमन रिएजेंट, क्या करता है, कॉपर क्योंकि सॉफ्ट है तो क्या करेगा, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करवाएगा, है ना, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं। इधर आया O माइनस, लेट्स से मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि फिनाइल जो है वो वेज से आया है, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से बाहर ये अटैक करेगा, ये वापस आएगा यहाँ से, क्या होता है अगर ये वेज पे है तो जो भी इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा, वो डैश पे, मतलब दोनों आपस में ट्रांस होने चाहिए। ये हमने कैरेक्टर सीरीज के चैप्टर नंबर 1 में देखा है। तो अगर आपने फिनाइल को अपनी मर्जी से वेज पे मान लिया है, तो आपको SCPH को डैश पे लगाना पड़ेगा, अगर इसको डैश पे लगाओगे इसको वेज पे लगाना पड़ेगा, बेसिकली दोनों को ट्रांस रखना है, ठीक है इतना, ओके। तो ये आ गया आपका ए। नेक्स्ट में क्या है, H2O2, फिर से वही वाली बात है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होना था, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास हिट्रो एटम है, लोन पेयर्स हैं इसके पास, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। सेलेनियम ऑक्साइड है, इसमें क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है, मैं आपको 5 की लिस्ट दी थी ना, तो उसी में से क्या है, सेलेनियम ऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिन एलिमिनेशन होना है, क्योंकि ये डैश पे है तो इसको डैश वाला ही प्रोटोन चाहिए होगा, और यहाँ पे ये वाला प्रोटोन किस पे है, डैश पर ही है, क्लियर है। क्या करेंगे, ये बाहर ये ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये लगा हुआ है फिनाइल, इतना क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो फिनाइल को डैश पे लगाएंगे, डैश पे लगा लो, कोई इशू नहीं है, इसको डैश पे लगाओगे ना फिनाइल को, तो क्या होगा, ये उससे ट्रांस पे आएगा, ये बनेगा, है ना, ऑक्सीडेशन करवाओगे। अब क्योंकि ये वेज पे है तो उसको वेज वाला चाहिए होगा, अगर फिनाइल को डैश पे लगाओगे तो एच क्या होगा, वेज पे जाएगा, फिर से वही बनेगा, यहाँ से निकला यहाँ से गया। तो दोनों ही केसेस में आपका प्रोडक्ट जो है यही आने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, वापस लास्ट में इसने प्लेनर हो ही जाना है, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वेज डैश पे कुछ भी, लास्ट में प्लेनर ही होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट बी, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जितना हमने पढ़ा है जितना सीखा है सिर्फ उसको अप्लाई करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। LDA हमने पूरे चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में LDA ही पढ़ा है, बहुत बार यूज़ किया है इसको, है ना, जल्दी से देखो कहाँ अटैक करेगा। ये है अपना कार्बोनिल ग्रुप, सही है, ये है LDA, इसको चाहिए एसिडिक प्रोटोन, इसके नेक्स्ट वाला देख लो H है यहाँ पे, इस H+ को निकाल देगा ये,
इधर आ जाएगा माइनस, बन गया डीलोकलाइज होगा, स्टेबल है, क्लियर है ना। इनोलेट आयन बना है, स्टेबल बना है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे निकालेंगे बाहर, इसका अटैक करवाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पूरी कहानी हम चैप्टर वन में सुन चुके हैं। तो अटैक यहाँ पर होगा इसका, और हमें क्या मिलेगा, CH2, ये ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद H2O2 मतलब O माइनस, इधर प्लस, एक H यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये बाहर, ये यहाँ, क्या मिलेगा लास्ट में, इधर आएगा डबल बॉन्ड, इसको गायब कर दो यहाँ से, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, इजी है। इसलिए मैं बोलती हूँ एग्जाम में ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये तो मुझसे नहीं होगा, एक बार देख लो, क्या पता रिएजेंट आपने देख रखा हो, और अगर रिएजेंट देख रखा है फिर तो ऑप्शंस भी आएंगे एग्जाम में, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो बिना रीड किए प्रॉपर ऑप्शंस को देखे बिना क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है, ठीक है। अपनी साइड से ट्राई करो मैक्सिमम कि ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करके ही जाना है। हाँ, लेकिन ये वाला काम पेपर के बीच में मत करना, मतलब ये जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, आपको देख के लग रहा है डर कि मुझसे नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, सही है। अब जब आप अपनी साइड से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, अब आपके पास टाइम है, अब जाके ऐसे वाले क्वेश्चंस को देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट पेपर के बीच में नहीं करने होते कि आपके पास थर्ड क्वेश्चन आया, सोचो नहीं मैं तो करके ही जाऊँगा, मैम ने बोला था देखते डरना नहीं है, तो ठीक है डरे तो नहीं, लेकिन उसको लेके बैठ गए, 10 मिनट नहीं लगानी है उस टाइम पे, सिर्फ देखो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में आना ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, पहले जो आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करने होते हैं, वरना टाइम का बहुत इश्यू हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन गेट में रिसेंटली पूछा गया था, आई थिंक गेट 2018 में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है गेट 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ अभी क्या होगा, देखो एक तो ऑप्शन है ये, और वैसे यहाँ लगाया हमने, एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था। आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपको ऑप्शंस कैसे याद हैं, वो इसलिए याद है क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था पेपर में, इसीलिए मैंने आके जब उसको देखा तो पता चला, इसलिए इसके ऑप्शंस भी याद है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो 2 ऑप्शंस तो ये थे, और ऐसा ही कुछ और भी ऑप्शन था, हाँ एक तो यहाँ पे ट्रांस था और एक सिस था, इसको सिस बना लेना, एक को ये ऐसे कितने कार्बन है, एक और ये, एक ये ऑप्शन था और एक और था, मतलब एक तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही लोगे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे, कैसे करेंगे सॉल्व वो देखो। तो सबसे पहली बात है H2O2 है, ऑक्सीडेशन तो करेगा इसका, सेलेनियम है ना यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन तो कर देगा, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें लगता है कि हम ये करेंगे, इसको यहाँ से हमने निकाला, जैसे ही पॉजिटिव आएगा यहाँ पे बन रही 3-membered ring, ऑक्सीजन देगा अपने लोन प्रेस, दिलवा दो कोई इशू नहीं है, दिलवाओ। तो हमने दिलवा दिए इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या होगा, ऐसा करने से ये कुछ ऐसा बना ये, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, H+ निकालेंगे और ये वाला ऑप्शन टिक मार्क करके सोचेंगे क्वेश्चन तो ठीक हो गया, लेकिन गलत है ये, ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा हुआ है, आप चाहो तो H+ निकाल दो, ठीक है, लेकिन अभी रिएक्शन फर्दर होने वाली है, क्योंकि देखो इपोक्साइड बना है ना, और अगर इपोक्साइड को ओपन होने का चांस मिले तो वो ओपन होता है हमेशा, क्योंकि स्ट्रेन तो है ही रिंग में, इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि रिंग में स्ट्रेन है, यहाँ पर भी H लगे हुए हैं और अपना यहाँ पर भी H लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल सिस्टम दोनों साइड से, कहीं से भी निकाल दो जहाँ से मन करे। तो मेन पॉइंट इज यहाँ से ये ओपन होगा और यहाँ से ये होगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा, यहाँ पे O माइनस वर्कअप के बाद OH आ जाएगा, CH2 ये बनेगा, क्या बना है, एलाइलिक एल्कोहल। तो जो ये वाला मेथड है ये स्पेसिफिकली एलाइलिक एल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इपोक्साइड बन रहा है, लेकिन इपोक्साइड बनने के बाद फर्दर वो चेंज होगा एलाइलिक एल्कोहल में, सही है।
इसके बाद क्वेश्चन ये आएगा कि सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा। तो मेन पॉइंट ये है, जब भी रिएक्शन में अगर आपके पास चॉइस है, मतलब अगर रिएक्शन के पास चॉइस है कि सिस और ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं, तो रिएक्शन हमेशा ट्रांस बनाएगा क्योंकि ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांस बनेगा और ये बनेगा आपके पास एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी CSIR नेट में पूछा जा चुका है। इसमें स्टीरियो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट नहीं है। LDA है, यहाँ दो प्रोटोन, दो H अवेलेबल है, एक को निकालेगा कार्बन आयन बना देगा। अब नेक्स्ट है, हमें डिसाइड करनी है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। सेलेनियम के पास लोन पेयर्स हैं, हेटेरोएटम के बीच में बॉन्ड नंबर वीक है, ये तो हो जाएगा ब्रेक, ये अटैक भी कर देगा। क्वेश्चन ये है, इसको मैं अबव द प्लेन दिखाऊं या फिर बिलो द प्लेन, वो डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, सिस्टम को देखो, सिस्टम को देखो ध्यान से कैसे है। ये दो रिंग है, ठीक है, और H दोनों नीचे की साइड लगे हुए हैं, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। देखो ऐसे करके सिस्टम है, दोनों जो रिंग, एक रिंग ये वाली, एक ये वाली, दोनों रिंग इस तरह से हैं और जो H है वो बैक साइड पे है इसके। तो क्या होगा, अगर ग्रुप ऊपर से आएगा, ऊपर यहाँ पे कैविटी है, ठीक है, सेंटर अपना यहाँ पे है इस साइड पे, इधर कैविटी है पूरी की पूरी, तो कैविटी से वो अप्रोच नहीं करेगा, बैक साइड पे पूरा प्लेन सर्फेस है, आएगा बैक साइड से अटैक करेगा। तो मेन पॉइंट ये, अगर कैविटी वाला समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये देखो, जिस भी स्टीरियो से आपके एच अवेलेबल हैं उसी स्टीरियो से आपका ग्रुप भी आएगा, क्योंकि रिंग जो है इन वाले ग्रुप के ऑपोजिट की साइड फोल्ड होगी, है ना, नीचे से क्या होगा, हिंड्रेंस नहीं होगी, नीचे से अटैक होगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में आपका बन गया, डैश पे आ गया SEPH। क्लियर हुआ इतना, आगे देखो, फिर से LDA ऐड कर दिया गया है, अभी एक एच और बचा था वो भी निकल गया, प्लेन में आ गया ये ऐसे, है ना, ये बना है। अब क्या है, मिथाइल आयोडाइड है, निकाला इसको, फिर से अटैक, ये कहाँ से अटैक करेगा, देखो अभी जैसे ये कार्बनाइन बना है, सिस्टम वापस से प्लेनर हो गया, आप ऐसे दिखाओगे ना इसको डबल बॉन्ड लगा के, सिस्टम वापस से प्लेनर हो गया, फिर से वही वाली बात, रिंग ऊपर की साइड, नीचे से पूरा क्या है, प्लेन है, तो नीचे से अटैक करेगा, मतलब मिथाइल कहाँ से आएगा, डैश पोजिशन से आएगा, तो मिथाइल आया डैश पोजिशन पर, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, अबव द प्लेन, ये बन गया। हमारे चार स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है, अब करवाएंगे ऑक्सीडेशन, इधर O माइनस, इधर प्लस, ऐसे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑप्शंस आए तो आप आउट ऑफ फोर दो तो एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन दो में पक्का फंसोगे। जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड सपोज यहाँ लगा रखा है ऑप्शन में, एक यहाँ लगा रखा, कौन सा बनेगा, सेलेनियम ऑक्साइड है, सिन एलिमिनेशन होती है। अगर ये अबव द प्लेन है तो इसको H भी अबव द प्लेन ही चाहिए होता है, सही है ना, ये किस पे है, बिलो द प्लेन, तो ये नहीं निकलेगा, कौन सा निकलेगा, यहाँ पर आओ, मिथाइल है, मिथाइल के पास भी तो है तीन H, ऐसे, है ना, क्या हुआ इसमें से, एक H अबव द प्लेन होगा, दो प्लेन में होंगे, एक डैश पे लगा पाएगी, टेट्राहेड्रल कार्बन है ना, इस तरह से ही होगा। तो यहाँ पर क्या होना, इसने निकाल, इसको निकाल दो, इसको ले आओ यहाँ पर, ऐसा करके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा CH2, बाकी सब कुछ सेम, ये डैश पे थे, डैश पे ही रहेंगे, और ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, आपको सिर्फ कैविटी का ध्यान रखना है, दोनों ग्रुप नीचे की साइड है तो रिंग ऊपर की साइड फोल्ड होगी, ऊपर से कोई भी ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है, अगर ये समझ में आया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो को अभी पॉज कर दो और एक बार इसे खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर समझ में आया तो होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर आना चाहिए इसका। इस बार मैं विदाउट एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिखने वाली हूँ, देखो भाई जल्दी से। पहले LDA ऐड करा है, इसने एक प्रोटोन निकाल लिया, माइनस आ गया। मिथाइल ने अटैक करना कहाँ से करेगा, डैश से, मिथाइल ने किया डैश पे अटैक, सही है। फिर से LDA ऐड किया गया, एक H था वो भी निकाल लिया, माइनस आ गया, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाने से ये सिस्टम वापस प्लेन में, ये
है ना। क्या होगा अभी, यहाँ से इसको निकालो, इसका टैक्स के ऊपर, ये वापस कहाँ से आएगा, सेलेनियम जहाँ से मिथाइल आया था, कहाँ से, डैश पोजिशन से, डैश पोजिशन से आया है सेलेनियम। ये अपने आप वेज पे चला गया, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ओ लास्ट स्टेप ऑक्सीडेशन का है, तो ये अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, तो ये वाले स्टेप्स हम बहुत बार कर चुके हैं, चैप्टर 1 में भी ये सब कर रहे थे, चैप्टर 2 में भी ऐसे कुछ कर रहे हैं, इसीलिए बार बार इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सिर्फ समझ में आए कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, मैं आपको पहले समझा दिया, अब डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब ये डैश पर है, हमें सिन एलिमिनेशन करवाना है, हमें डैश वाला एच चाहिए होगा, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन डैश वाला है, इसको निकालो, इसको निकालो, इस बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, यहाँ पे CH3 वैसे का वैसे, क्लियर है, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये एच अपना डैश पोजिशन पे ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया, बस यही करना था। अब आएंगे यहाँ पे, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, वहाँ पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप ये ट्राई कर लेंगे। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, हमने बहुत बार पढ़ी होती है, इनफैक्ट हम BSc में भी पढ़ते हैं, SN1 होता है, SN2 होता है, क्या होता है, SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, तो उसका ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। क्या होता है इसमें, इन्वर्शन नहीं होता है, रिटेंशन होता है, ठीक है, तो रिटेंशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेना इसके ऊपर। अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन ट्राई पक्का करना, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, होगी वैसे ही, SNI मैंने हिंट दे दिया, खुद से ट्राई करना है आपको। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन करेंगे, हैप्पी लर्निंग।